एक स्पेसशिप मेहुल के घर के ऊपर आती है और मेहुल को किडनैप करके लेके चले जाती है। क्या आप स्पेसशिप को देखकर बता सकते हैं ये स्पेसशिप कौन से प्लैनेट से आई है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। स्पेसशिप पे लगे लोगों को देखिए, वो सैटर्न का है। विजिबल और बड़ा रिंग सिर्फ सैटर्न में है। स्पेसशिप मेहुल को लेके अर्थ से बाहर निकल जाता है। ये इंसान का दिमाग बहुत तेज है, इसके दिमाग पे हम रिसर्च करेंगे। तभी स्पेसशिप को बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स मतलब स्पेस में घूमने वाले स्टोन्स लगने लगते हैं और स्पेसशिप हिलने लगता है। अगर स्पेसशिप को 8 सेकेंड में 12 एस्ट्रॉइड्स लग रहे हैं तो मुझे बताइए हर 2 सेकेंड में उसे कितने एस्ट्रॉइड्स लग रहे हैं? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आठ सेकेंड में 12 मतलब 4 में 6 तो 2 में 3 एस्ट्रॉइड्स। एलियन किसी तरह स्पेसशिप को एस्ट्रॉइड से बचा लेते हैं और स्पेस में आगे बढ़ने लगते हैं। क्या बता सकते हैं 8 प्लैनेट्स में सैटर्न साइज वाइज कौन से नंबर का प्लैनेट है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सैटर्न सेकेंड नंबर का प्लैनेट है, सबसे बड़ा जुपिटर है। एलियन से बचने के लिए मेहुल प्लैनेट से जंप लगाता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। आंखें खोलता है तो समझता है कि बस वह एक सपना था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। भाई एक पहेली का जवाब दे। हाँ, पूछ। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम पैसे के लिए काम नहीं करते लेकिन पैसा हमारे लिए काम करता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, तू ही बता दे। अरे यार, कॉइन DCX, जहाँ तेरे पैसे भी समय के साथ ग्रो करते हैं। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने पैसे इन्वेस्ट करे हो और मल्टीप्लाई हो गए हो। हाँ यार, मैं तो पिछले 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडिया के सबसे सेफेस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइन DCX में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है क्योंकि इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के कोई लॉज नहीं है। कॉइन DCX में एसेंशियल सिक्योरिटी फीचर्स है जैसे 2FA एंड विड्रॉल पासवर्ड, तो सारे फंड्स एकदम सेफ रहते हैं। और कॉइन DCX पे सिर्फ क्वालिटी चेक्स किए हुए क्रिप्टोज ही रहते हैं। ट्रेडिंग को चालू करने के लिए बस ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो, KYC और बैंक अकाउंट को लिंक करो और एक छोटा सा 100 रुपए का अमाउंट डिपॉजिट करो और उससे आप वेरीफाइड क्रिप्टो करेंसी खरीदना शुरू कर सकते हैं बस 10 रुपए से। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉइन DCX से फंड इंस्टेंटली डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं कभी भी 24/7। कॉइन DCX एक ISO वेरीफाइड कंपनी है और ये फॉलो करते हैं सारे KYC एंड AML प्रोसीजर्स। सो जल्दी से मेरे कोड से डाउनलोड कर लीजिए लॉजिक 100, तो आपको 100 रुपए के फ्री बिटकॉइन मिल जाएंगे और उनके ऑनगोइंग ऑफर से ऑफर 28 नवंबर तक के लिए वैलिड है। अगर आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में और सीखना और पढ़ना चाहते हैं तो कॉइन DCX का फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, DCX लर्न। सो टाइम वेस्ट मत कर, डाउनलोड कर एंड इन्वेस्ट कर क्योंकि फ्यूचर यही है। 5 दोस्त घने जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं। एक एक करके सभी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहां सुमित आता है तो देखता है सुनीता की लाश पड़ी हुई है। बाकी फ्रेंड्स भी वहां आ जाते हैं। मेहुल भी वहीं पास में कैंपिंग कर रहा था, आवाज सुन के वो भी वहां आ जाता है। सुमित कहता है, मैं तो जंगल में लकड़ियां लेने गया था, मैंने ही सबसे पहले यहाँ पे लाश देखी। प्रिया कहती है, मेरा पेट दुख रहा था, जंगल में किसी को भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो मैं पास में हेल्थ देखने गई थी। अजय कहता है, मैं तो पानी लेने गया था, पीने का पानी खत्म हो गया था और सुनीता को बहुत प्यास लग रही थी। रोजी कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आ गया था तो मैं तो उससे बात कर रही थी। सभी की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है कि कोनी कौन है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? खून रोजी ने किया है। अगर किसी को फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात कर सकती है? मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक बैंक के सामने खड़ा था, तभी वहां एक कार आई, उसमें से 2 लोग उतरे। उन्होंने मेहुल को डंडा मार के बेहोश कर दिया और कार में किडनैप करके लेके चले गए। जब मेहुल की नींद खुली तो वो एक रूम में बंद था। उसने आसपास देखा तो उसे सामने 3 दरवाजे दिखे। पहले दरवाजे पे एक रोम्बस बना हुआ है, दूसरे पे ट्रायंगल बना हुआ है और तीसरे पे एक सर्कल बना हुआ है। अब तीनों में से एक डोर मेहुल को बाहर लेके जाएगा, लेकिन कौन सा डोर? तभी मेहुल को पास में एक क्लू मिलता है और एक घड़ी मिलती है। क्या इस घड़ी और क्लू को देख के आप बता सकते हैं कौन सा दरवाजा मेहुल के लिए सही रहेगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि गोल मतलब घड़ी है, तो फिर नंबर्स क्यों दिए गए हैं? अगर आप घड़ी में इन नंबर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक रोम्बस मिल जाएगा, मतलब क्लू डोर नंबर 1 की तरफ इशारा कर रहा है। मेहुल डोर खोलता है और बाहर निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नेहा अपने घर में पार्टी देती है और अपने दोस्तों को आने के लिए कहती है। सबसे पहले वहाँ पायल आती है तो देखती है कि नेहा का खून हो गया है। नेहा मेहुल को कॉल करके बुला लेती है, तभी वहाँ प्रकाश और नीरज भी आ जाते हैं। मेहुल के पूछने पर सब बताते हैं। पायल कहती है, मैं यहाँ सबसे पहले आई और नेहा को मरा हुआ देखा। नीरज कहता है, मैं तो जल्दी आ जाता लेकिन मेरे ऑफिस में आज एक मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया। प्रकाश कहता है, मैं नेहा के लिए गिफ्ट लेने गया था इसलिए लेट हो गया। मेहुल तीनों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? खून नीरज ने किया है, क्योंकि अगर वो लेट आया तो उसके पॉकेट में जो पेन है उससे इंक बह रहा है और वही इंक नेहा के बॉडी के पास में भी है और वही इंक नीरज के हाथ में भी लगा है। नेहा के बॉडी के हाथ में भी है और बॉडी पे भी उसके मार्क्स है। हो सकता है नीरज ने नेहा को मारते वक्त उसे पकड़ा होगा, जिसकी वजह से वो इंक के निशान नेहा की बॉडी पे भी आ गए। खून नीरज ने किया है, मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चार दोस्त एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ वेटर आता है और चारों को रसगुल्ला सर्व करता है। चारों रसगुल्ला खाते हैं लेकिन उनमें से एक तुरंत मर जाता है। अब खून किसने किया? मेहुल होटल में ही था, तुरंत वहां पहुंच जाता है। मेहुल सीन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, खून किसने किया होगा? खून वेटर ने किया है। वेटर ने सबको खाने के लिए स्पून दिया लेकिन इस आदमी को फोक दिया। अब रसगुल्ले के लिए फोक कौन देता है? जरूर फोक में जहर होगा, बाउल मिक्स ना हो जाए इसलिए उसने एक को फोक दिया। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर गणपत एक आदमी का पीछा करते हुए एक कॉलोनी में पहुंच जाता है जहां उसे तीन लोग दिखाई देते हैं। वो तीनों से पूछता है, क्या तुमने यहां से किसी आदमी को भागते हुए देखा? पहला आदमी कहता है, सर मैं तो अभी अभी शॉपिंग करके आ रहा हूं। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं तो यहां अभी आया हूं, मैंने किसी चोर को यहां से भागते हुए नहीं देखा। तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो अपने घर पे साफ सफाई कर रहा था। लेकिन गणपत तुरंत समझ जाता है कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। कैसे और कौन झूठ बोल रहा है, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे कैसे पता चला कि दूसरा आदमी चोर था? इंस्पेक्टर गणपत ने तो ये बोला ही नहीं था, उसी से वो समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों में से एक किडनैपर है, क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन से ओल्ड मैन किडनैपर है? ए या बी, अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे तो ओल्ड मैन ए किडनैपर लग रहा है। ये देखिए एक बच्ची का हाथ बाहर है और वो बंधा हुआ है, मतलब ये बच्चों को पॉइजन वाला फ्रूट खिला के किडनैप कर लेता होगा। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।